मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले से एक दुखदायी खबर सामने आ रही है, जहां पर नाव पलट जाने से चार लोगों की जान चली गई, जिसमें वे जेलम नदी पार कर रहे थे। बता दें आपको कि अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के बटवाड़ा इलाके में जेलम नदी में छात्रों समेत कुछ लोगों की नाव डूब गई। हालांकि पुलिस की समय पर कार्रवाई के कारण स्थानीय लोगों ने सभी को बचा लिया और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल भी पहुँचाया गया। वहीं इस मामले को लेकर जब एक अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। उन्होंने सभी मृतकों की पहचान शब्बीर अहमद, गुलजार अहमद और लगभग 32 साल की दो महिलाओं के रूप में की है। उन्होंने आगे कहा कि इस हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। श्रीनगर से तौशीफ पानी की रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले से एक दुखदायी खबर सामने आ रही है, जहां पर नाव पलट जाने से चार लोगों की जान चली गई, जिसमें वे जेलम नदी पार कर रहे थे। बता दें आपको कि अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के बटवाड़ा इलाके में जेलम नदी में छात्रों समेत कुछ लोगों की नाव डूब गई। हालांकि पुलिस की समय पर कार्रवाई के कारण स्थानीय लोगों ने सभी को बचा लिया और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल भी पहुँचाया गया। वहीं इस मामले को लेकर जब एक अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। उन्होंने सभी मृतकों की पहचान शब्बीर अहमद, गुलजार अहमद और लगभग 32 साल की दो महिलाओं के रूप में की है। उन्होंने आगे कहा कि इस हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। श्रीनगर से तौशीफ पानी की रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले से एक दुखदायी खबर सामने आ रही है, जहां पर नाव पलट जाने से चार लोगों की जान चली गई, जिसमें वे जेलम नदी पार कर रहे थे। बता दें आपको कि अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के बटवाड़ा इलाके में जेलम नदी में छात्रों समेत कुछ लोगों की नाव डूब गई। हालांकि पुलिस की समय पर कार्रवाई के कारण स्थानीय लोगों ने सभी को बचा लिया और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल भी पहुँचाया गया। वहीं इस मामले को लेकर जब एक अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। उन्होंने सभी मृतकों की पहचान शब्बीर अहमद, गुलजार अहमद और लगभग 32 साल की दो महिलाओं के रूप में की है। उन्होंने आगे कहा कि इस हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। श्रीनगर से तौशीफ पानी की रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले से एक दुखदायी खबर सामने आ रही है, जहां पर नाव पलट जाने से चार लोगों की जान चली गई, जिसमें वे जेलम नदी पार कर रहे थे। बता दें आपको कि अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के बटवाड़ा इलाके में जेलम नदी में छात्रों समेत कुछ लोगों की नाव डूब गई। हालांकि पुलिस की समय पर कार्रवाई के कारण स्थानीय लोगों ने सभी को बचा लिया और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल भी पहुँचाया गया। वहीं इस मामले को लेकर जब एक अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। उन्होंने सभी मृतकों की पहचान शब्बीर अहमद, गुलजार अहमद और लगभग 32 साल की दो महिलाओं के रूप में की है। उन्होंने आगे कहा कि इस हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। श्रीनगर से तौशीफ पानी की रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया।